के रक्षक भारतीय सेना पहाड़ों की हड्डी गला देने वाली ठंड में भी ड्यूटी पर तैनात रहती है। लद्दाख जैसी पोस्ट का टेम्परेचर -30 डिग्री तक रहता है और करीब 20,000 जवान यहाँ तैनात हैं। यहाँ ना बिजली का ठिकाना ना धूप का। बैरिक्स में जवान ठंड से बचने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, केरोसिन और लकड़ी, जिनसे हीटिंग भी कम मिलती है और जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है। पर लद्दाख के ही इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक जी ने किया है ठंड को मात देने वाला OMG इन्वेंशन। जो जवान दिन रात हमारी सुरक्षा में मौसम की हर मार झेलते हैं, वांगचुक जी ने उन्हीं जवानों की मौसम से सुरक्षा करने के लिए इन्वेंट किया सोलर पावर्ड मड हाउस। इंडियन आर्मी का लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में बहुत प्रेजेंस है और बहुत हीटिंग पे उनका खर्चा और पोल्यूशन दोनों होता है, तो हाल के सालों में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाउ कैन मिलिट्री यूज सोलर हीटेड बिल्डिंग। आखिर ऐसा क्या है इस मड हाउस में जो अंदर का टेम्परेचर बाहर से 40 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है? इसमें आप अंदर से देखेंगे तो ये दीवारें नॉर्मल दिखेंगे, जबकि बाहर पूरा का पूरा शीशे का था। ये जो दक्षिण की दीवारें हैं, साउथ फेसिंग वॉल, ये हमारे हीट इंजन्स हैं, जहाँ पर हीट कलेक्ट होता है, ये धूप की तरफ है। तो ये बहुत एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बने हैं, जिसमें पानी है, कंक्रीट है। उसके बाद जो बाकी दीवारें हैं इस तरफ आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉ क्ले से बने हुए हैं। तो ये दीवारें जो है गर्मी को रोकती है जाने से, और ये दीवार गर्मी को लेती है सूरज से, सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में नहीं लेती है। और बता दूं, इस घर की दीवारें यही बनती हैं। मिस्टर वांगचुक ने हमें पूरा प्रोसेस भी समझाया। तो ये क्ले है, इसको अगर आप पानी से मिलाएं तो ये एक पेस्ट बन जाता है, क्ले स्लरी है। और इसमें हम फाइबर और वेस्ट मटेरियल विद फाइबर दोनों मिक्स करते हैं, हाफ हाफ। तो इसके दोनों की मात्रा मिलाकर फिर ये क्ले स्लरी डालते हैं और फिर एक ऐसा ब्लॉक बन जाता है। स्ट्रॉ और क्ले का ये ब्लॉक बहुत इंसुलेटिंग होती है। अब इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए हमने एक टेक्निक निकाला है, स्ट्रॉ क्ले विद होल्स। इसको जब हम बिल्डिंग में रखेंगे तो इस होल में हम ग्रेवल, बजरी या फिर सीमेंट और बजरी भरेंगे, तो फिर वो इसका दबाव शक्ति जो है वो बढ़ा देगी। और अगर इसमें हम रॉड्स लगाते हैं तो वो रीइंफोर्स मल्टी स्टोरी कई मंजिलों तक बनाने के भी काम आएगा। हमारे अभी तक के बिल्डिंग टेक्निक में एक कमी ये थी कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो अभी हम काम कर रहे हैं इसमें एक प्री फैब्रिकेटेड सोलर मड हाउस पे, जो बना एक फैक्ट्री में हो और सिर्फ आप असेंबल करें साइट पे, और असेंबल करने में 2-3 हफ्ते लगे रादर देन 2-3 साल। अपने इनोवेटिव दिमाग से सोसाइटी की नीड को पूरा करने की हर कोशिश करते हैं वांगचुक जी। आप है तो ऑल इज वेल है जी। आपको बता दूं, 3 इडियट्स के रणछोड़ दास उर्फ फुनसुक वांगड़ू का कैरेक्टर भी वांगचुक जी से इंस्पायर्ड था। हमारे वांगचुक जी हैं रियल लाइफ परफेक्शनिस्ट, जिनके OMG इनोवेशन से संवर रही है देश की सुरक्षा करने वालों की जिंदगी। सोसाइटी के लिए उनके OMG एफर्ट्स ना सिर्फ लोगों के हालात सुधार रहे हैं, बल्कि देश के भविष्य को भी नई राह दिखा रहे हैं। इंडिया के ऐसे हीरो को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। For more stories like this, click on follow and see first to never miss our amazing content.